नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे CBSE ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है अपने CBSE के सभी स्टूडेंट्स को। CBSE के साथ साथ CISE के भी जितने स्टूडेंट हैं उनको भी इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों CBSE ने अभी हाल ही में तुरंत अपने CBSE के 2022 और 23 के सिलेबस को दोस्तों लॉन्च कर दिया है और रिलीज़ कर दिया 2022-23 के सीज़न के सिलेबस को। इसी नया 2022-23 के जो सीज़न होने वाले हैं उनका दोस्तों नया सिलेबस रिलीज़ कर दिया है, और उस जो सीज़न चलने वाले हैं 2023 के, उसमें दोस्तों जो टर्म वन टर्म टू की परीक्षाएं बार बार होती थी, इस बार ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि आपके इस बार के एग्जामिनेशन को टर्म वाइज नहीं बल्कि सिर्फ एक ही बार कंडक्ट कराया जा सकता है। क्यों दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं प्रूफ के साथ आपको सब कुछ दिखा के समझाऊंगा। और ये वीडियो CISE वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CBSE के पैटर्न को फॉलो करके ही CISE ने सेमेस्टर वाइज टर्म वाइज एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया था। तो अब CBSE ने जो पैटर्न लॉन्च किए हैं, जो अपना सिलेबस लॉन्च किया है, उसको देख के ये आंकड़ा लगाया जा सकता है कि इस बार के CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 के जो सीजन होने वाले हैं वो सेमेस्टर वाइज टर्म वाइज नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से सिलेबस लॉन्च हुआ है उस हिसाब से एक आंकड़ा लगाया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों किन किन बातों को सामने लाया गया है प्रूफ के साथ आपको स्क्रीन में सब कुछ दिखाएंगे। आई होप वीडियो को आप लास्ट एंड तक देखेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, CBSE जिला कोऑर्डिनेटर विनीता तोमर का कहना है कि CBSE की ओर से अगले शैक्षणिक वर्ष यानी कि अगले सीजन 2022-23 के लिए जो सिलेबस जारी कर दिया गया है, CBSE द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया गया है और ये सिलेबस को प्री कोविड स्तर पर ही रखा गया है, यानी कि जो आने वाले सीजन है उसमें जो आपके एग्जामिनेशन है वो टर्म वन के एग्जामिनेशन पर ही पूरी आधारित हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ बातों को बोला गया है कि प्री कोविड लेवल पे आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा रहा है। अब ये प्री कोविड लेवल क्या है दोस्तों, इस पर भी आइए बात करते हैं। दोस्तों सिलेबस में पिछले दो साल में 30% की कटौती कर दी गई थी, लेकिन अब सिलेबस को प्री कोविड स्तर पर ही रखा गया है। प्रैक्टिकल वाले विषयों सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी और साइकोलॉजी का जो वार्षिक पेपर 70 नंबर का होता था, वह 30 नंबर का अब प्रैक्टिकल कर दिया गया है। भाषाओं के पेपर है दोस्तों वो 80 नंबर के होंगे और 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट होंगे। कोरोना काल के चलते बोर्ड की तरफ से 10वीं-12वीं की परीक्षाओं को इस बार दो टर्म में आयोजित किया जा रहा था। जैसे कि आपको मालूम है जब से कोविड आया है, चाहे CBSE हो चाहे CISE हो, वह दो टर्म में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहा था अभी तक, क्योंकि कोविड की सिचुएशन के माहौल को देखते हुए। लेकिन अब CBSE ने जो आज अपना लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया है अपने क्लास 10th क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें जो सिलेबस अपडेट किए गए हैं उनको देख कर ये लग रहा है कि आपके जो अगले बार के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे वो सेमेस्टर वाइज या टर्म वाइज नहीं होंगे, सीधा एक ही एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ बातों को बोला जा रहा है, आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनको लेके दोस्तों यहाँ पर ये बातों को सामने लाया जा रहा है कि CBSE सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 10th और क्लास 12th के 2023 का सिलेबस पूरी तरह से ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया गया है, और इस तरह से पूरे बातों को कंफर्म किया जा रहा है कि आने वाले आपके जो सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन है यहाँ पे इन बातों को गौर किया जा रहा है कि अगली बार से जो 2023 में दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे जब क्लास 10th और 12th के, चाहे CBSE के हो चाहे CISE के हो, क्योंकि CBSE ने तो ऑफिशियल रूप से बोल दिया है, अभी तक CISE का कोई ऑफिशियल सर्कुलर इस तरह से नहीं रिलीज किया गया है कि वो बोल दे कि हाँ हम टर्म वाइज सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे। लेकिन जिस हिसाब से CBSE ने क्लास 10th और क्लास 12th के ऑफिशियल रूप से जो सिलेबस रिलीज कर दिया है दोस्तों, उसमें ये बातें साफ साफ क्लियर हो रही हैं कि आपके सेमेस्टर 2 या टर्म 2 के बोर्ड एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं अगली बार से ये टर्म वाइज एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे। अब दोस्तों भरे कोविड माहौल में एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन की बातों को चलते CBSE ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है अपने सभी CBSE के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ और अपडेट सामने आ रही है कि इस बार से आपके सेमेस्टर वाइज टर्म वाइज एग्जामिनेशन से लगता है कि आपको छुटकारा मिल ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से कोविड स्प्रेड हो रहा है, उसको देखते हुए बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन की मांगें भी तेज हो गई हैं, और जो फैसले आने बाकी उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी बातों को नहीं बोला गया है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे कि एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे, सभी लोग चुप्पी साथे बैठे हुए हैं। अब ऐसे में आपके 2022 के सेमेस्टर 2 के बोर्ड एग्जामिनेशन और टर्म 2 के बोर्ड एग्जामिनेशन, CBSE क्लास 10th एंड 12th और CISE क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन को लेकर दोस्तों अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ किसी ने जारी नहीं की है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में CBSE ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है अपने सभी स्टूडेंट्स को। ऑफिशियल सिलेबस रिलीज कर दिया गया है 2023 और 2022 के लिए।
2022 सीजन के लिए ऑफिशियल सिलेबस रिलीज कर दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि इस बार से आपके सेमेस्टर वाइज टर्म वाइज एग्जामिनेशन से लगता है कि आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो सेमेस्टर वाइज टर्म वाइज एग्जामिनेशन जो चलते हैं उनको क्यों कंडक्ट कराया जाता है, उनको इसलिए कंडक्ट कराया जाता है क्योंकि जानते हैं पिछले साल कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसके चलते एक बार में एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं किया जा सकता था किसी भी हालत में। इसी के चलते बोर्ड एग्जामिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। सीबीएसई ने टर्म वन टर्म टू कर दिया था, सीएससी ने सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू कर दिया था। हालांकि कोविड अभी भी नहीं गया है, कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, डे बाई डे 1000 से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में सीबीएसई ने बहुत बड़ा झटका दिया है अपने क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स को और 2023 का नया सिलेबस रिलीज कर दिया है। अब रिलीज करने के बाद जो सिलेबस की लिस्ट जो आई है उसमें जो बातों को सामने लाया जा रहा है उनको देखते हुए ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इस बार से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को टर्म वाइज या सेमेस्टर वाइज नहीं कराया जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा कि आखिर सीबीएसई या सीएससी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में क्या सोचता है। ऐसे में दोस्तों वो बहुत जल्दी इस बारे में फैसला लेंगी और बताएंगे कि वो अपने सेमेस्टर टू या टर्म टू के बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ क्या करने जा रही है और किन किन बातों को लेकर फ्रंट में लाने जा रही है। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल ICSE Help के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे सीबीएसई और सीएससी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कमेंट में अपना सुझाव जरूर बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।